अच्छा फ्रेंड्स, ये ISO 9001 ये जो सर्टिफिकेशन है ये क्या चीज़ है, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बताती है, और इसकी क्यों इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बगैर भी इंडस्ट्री चल रही है, और फिर भी बावजूद इंडस्ट्रीज इसको क्यों अडॉप्ट करती है, इससे इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आता है, और ये इट सेल्फ है क्या चीज़। आज की वीडियो में हम ये वाले सारे पॉइंट क्लियर करेंगे वेरी सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी, और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ये टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा फ्रेंड, जब भी हम बात करते हैं ISO 9001 की, तो ये टोटली रिलेट करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्रीज में जब आप सिस्टम कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी जो है ना हाई लेवल पे कंसिडर की जाती है। इसको हम वेरी सिंपल, इसके कुछ रूल्स है, सिस्टम है। उससे पहले मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से, आसान वे में, कॉमन लैंग्वेज में क्लियर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ताकि आपको ये सिस्टम समझ आती है सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, मैं मिसाल देता हूँ कि एक जुबैर साहब है जिनके पास एक आर वाटर का प्लांट है, ठीक है, जो उसके ऑनरशिप है उनके पास। लेकिन उनके पास है एक तलहा नाम का शख्स भी है, जिसका काम है कि वाटर की फिलिंग भी करता है, वाटर में जो यूज़ होने वाले केमिकल है वो भी ले आता है, और जो आर वाटर का प्लांट है उसको भी ऑपरेट कर लेता है, मैनेजमेंट सिस्टम, जनरेटर सिस्टम, वट एवर, वो वन सारे काम कर लेता है। फिर अगर कहीं बाहर जाना हो तो उन्होंने उसके लिए एक और बंदा रखा है जो शुएब नाम से, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि एक समझिएगा, बड़ा क्लियर वे में आपको समझ आएगा। जो शुएब नाम का बंदा है वो आर ओ प्लांट के बाहर के काम कर रहा होता है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेता है, बोतलें भी नहीं ले आता है, केमिकल भी ले आता है, वट एवर, ये भी सारे काम एक साथ कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जब शाम में, सुबह आते होंगे और शाम में जाते होंगे, लेट सपोज उसके पास अगर 20 ऑर्डर आए, तो उस 20 ऑर्डर में से वो 4 ऑर्डर नॉर्मली रह जाते होंगे, ठीक। यानी तरह साहब से भी मिस्टेक्स हो सकती है, और जो दूसरा जुबेर काम कर रहा है, जो वन फ्रॉम और टोटली सारे काम कर लेते हैं, वो भी मिसिंग कर सकते हैं। इसकी रीजंस क्या है, और उसमें से 3 ऑर्डर मिस हो जाएंगे, 4 ऑर्डर मिस भी हो सकते हैं, इन उनके सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे, और जो उन्होंने ऑर्डर फुलफिल किए उस पे भी कंप्लेंट आने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है, वजह क्या है कि इन्होंने जो लोग काम कर रहे थे आपस में, जो हर फार्म पर रहे थे, एक बंदा मल्टीपल काम कर रहा था, लोगों की ड्यूटीज असाइन नहीं थी, सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, मैनेजमेंट सिस्टम वीक था। यानी तलहा बाहर के काम भी कर रहा है, बोतल फिलिंग भी कर रहा है, प्लांट भी चला रहा है, और कस्टमर भी डील कर रहा है। इसके अगेंस्ट जो जुबैर था वो भी बाहर के काम भी कर रहा है, और गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है, अंदर के काम भी कर रहा है, पार्टीज के चेक भी लेके आ रहा है, कस्टमर भी ले कर रहा है, हर बंदा एक दूसरे के काम कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा शाम को 5 बजे। अगर कोई कंप्लेन भी आती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होगी। ये है वीक क्वालिटी सिस्टम। इसके अगेंस्ट एक और साहब हैं जिनके पास दूसरा जनरल स्टोर है, उनके पास भी 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। कैसे, उनके पास जो 4 लोग हैं, जिसमें नंबर 1 बंदा है वो बाहर के काम देख रहा है, नंबर 2 बंदा है वो इंटरनली सारी चीज़ें संभाल रहा है, नंबर 4 पे जो है वो अकाउंट्स मैनेजमेंट कर रहा है, नंबर 5 पे जो शख्स है वो क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहा है। ये उन्होंने लोगों की ड्यूटीज असाइन कर दी हैं। तो उनके यहाँ जो अगर मंथ के एंड में या वीकली या डेली 10 ऑर्डर भी आते, तो 10 ऑर्डर फुलफिल होंगे, वो शाम को 10 के 10 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। क्यों, और उनमें कंप्लेन के चांसेस भी कम होंगे। क्यों, कि उन्होंने लोगों की ड्यूटीज असाइन की हुई, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहा है, हर बंदा हर काम नहीं कर रहा। यही आपको ISO 9001 बताता है कि आप लोगों की ड्यूटीज असाइन करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, यानी आपका सिस्टम इस तरह हो कि लोग अपने ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे ना हो कि हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा हर एक काम को कर रहा है, और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा है। इसका मतलब आपका सिस्टम वीक है। ये 9001 आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यही बताते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करती है कि आप अपना काम सिस्टमेटिक वे में करेंगे। यानी जो जो लोग आर वाटर की मैंने एग्जाम्पल दी, और स्टोर वाले लोग थे जिनकी मैंने एग्जाम्पल दी, उनके कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस ऑर्गेनाइजेशन भी, इसी तरफ हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जहाँ सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं, उनके पास वेयर हाउस का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी के बंदा वेयर हाउस में भी काम कर रहा है, प्रोडक्शन में भी काम कर रहा है, और क्वालिटी के अंदर जो डिफरेंट सेक्शन है वहाँ भी काम कर रहा है। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्वालिटी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि वो लोगों को असाइन एरिया में काम करवाते हैं, और जो जो लोगों का एरिया होता है उनको उसी एरिया में रखा जाता है, हर एरिया की एक्सपर्टीज वाइज लोगों को रखा जाता है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। यानी वेयर हाउस में जो
भी लोग जो काम कर रहे होंगे, कुछ लोग रॉ मटेरियल को रिसीव करते होंगे, कुछ लोग सॉफ्टवेयर चलाते होंगे, कुछ लोग डिस्पेंसिंग वगैरह करते, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो क्लियर, यानी एक सिस्टमेटिक वे में आपको सिस्टम बताता है ISO 19001 कि आपने अगर किसी जगह पे काम करना है तो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू करना है, और लोगों की ड्यूटीज असाइन करनी है। हर बंदे को हर काम नहीं इन्वॉल्वमेंट करनी, इस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड ये कि लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि अपने काम के लिए, यानी जो वो काम कर रहे हो वो उसके रिस्पॉन्सिबल हो, उसके जवाब दे हो। इसी तरह क्वालिटी मैनेजमेंट की सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिटी के अंदर जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी देखते हैं कि हर बंदा एक एरिया वाइज कर रहा होता है। मैं अगर छोटी जगह की मिसाल लूँ तो लोकल कंपनी में अगर आप जब देखते हैं किसी फार्मा की तरफ आते हैं, तो लेबोरेटरी में एक बंदा मल्टीपल काम कर रहा होता है, यानी कभी वो फिनिश प्रोडक्ट के एरिया में काम कर रहा होता है, कभी वाटर टेस्टिंग भी कर रहा होता है, कभी रॉ मटेरियल भी कर रहा होता है, कभी पैकेजिंग एरिया भी कर रहा होता है, कभी क्वालिटी एश्योरेंस का इन प्रोसेस कर रहा होता है। तो इस तरह हर एरिया में हर बंदे को नहीं होना चाहिए, असाइन एरिया में काम करना चाहिए, मल्टीपल टास्क के साथ। ठीक है, अडोप्टेशन का लेवल और लर्निंग का लेवल अलग हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन नहीं होगी। इन सिंपल लेवल ये है कि सर्टिफिकेशन आपको बताती है कि आप लोगों की असाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एज पर वो सिस्टम काम करें। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आप अक्सर देखते हैं जो आप कंपनीज के साथ सर्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, उनके लेटर हेड पे, उनके प्रोडक्ट पे लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड। तो याद रखिए, ये जो सर्टिफिकेशन है ये किसी प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन नहीं होती, ये वहाँ के सिस्टम की सर्टिफिकेशन होती है, यानी वो प्रोडक्ट जिस सिस्टम से गुजर के आया है वह उस सिस्टम की सर्टिफिकेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अक्सर लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है तो इट मीन्स कि इनकी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट का कंसर्न अलग है, उसके लिए फिनोमेना अलग है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन जो होती है वहाँ के सिस्टम की सर्टिफिकेशन होती है, यानी वो प्रोडक्ट किस सिस्टम से गुजरती है, सिस्टम क्या है उनके, उनके सिस्टम्स क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सर्टिफिकेशन बेसिकली वहाँ से रिलेट कर रही होगी। इन दो सिंपल से एग्जाम्पल से आपको वेरी क्लियर हो गया होगा कि ISO 9001 बेसिकली आपको कहता क्या है, ये आपको बताता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, लोग एज पर सिस्टम, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर अपनी ड्यूटीज असाइन वे में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि होश पोश वे में कोई काम नहीं करता, ये मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये बताता है कि हर बंदा अपना काम करेगा और उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जब किसी को एक एरिया में रखा जाता है, रिस्पॉन्सिबल एरिया में रखा जाता है, तो वो उस चीज़ का जवाब दे होता है और उसको प्रॉपरली 100% इंटेंशन के साथ वो काम करता है। तो अगर वो हौश पेश पे में करेगा तो डेफिनेटली वो डिविशन आ जाते हैं। इसी तरह जो कंपनियां 9001 सर्टिफाइड नहीं है, काम तो वहाँ पर भी गुजरा होता है, लेकिन उसकी वजह ये कि वहाँ बहुत सारे काम गैप्स नज़र आ रहा है। एक बंदा 10 काम कर रहा है, उसके 10 काम कंप्लीट नहीं होते, यानी वो लोग एक काम को स्टार्ट भी करते तो उसको एंड वे तक लेके नहीं जाते, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको गैप मिलेगा, यानी आपको उनके काम अधूरे मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में गैप मिलेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टेस्टिंग में गैप मिलेगा, प्रोडक्शन में आपको गैप मिलेगा, यानी बहुत सी चीज़ों को वायलेंसेस कर रहे होते। बेसिकली सिस्टम ये बताता क्या है कि कोई भी माइंडसेट इंसान का वो एज पर एक स्ट्रीम लाइन में आप काम करिए, आपको एक स्ट्रीम लाइन कर देता है सिस्टम। ऐसे नहीं कि अभी आपका मूड हो रहा था मैं टेस्ट लगा दूँ, आपका मूड हो रहा था प्रोडक्शन बेस एरिया में काम कर लूँ या नहीं करूँ, अपनी मर्जी से नहीं, आप अपने मूड से काम नहीं करते, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 आपको ये बताता है। अगर एक स्ट्रीम लाइन हो जाए, आपको उस काम को एज पर स्टैंडर्ड, एज पर प्रैक्टिस करना है, जो गाइडलाइन अगर कहती है कि आपको इस काम को यहाँ से शुरू करके वहाँ ख़त्म करना है, तो अपना माइंड सेट आपको क्या है कि अगर आप थक गए तो बीच में छोड़ दिया, मैं बाद में कर लूँगा, तो ये गाइडलाइन आपको ये नहीं बताती। इस मीन के वो सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, 9001 सर्टिफिकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो दे रही कंपनी, ये सर्टिफिकेशन बॉडी देती है, आपको यही बताती है आपने इस काम को एक प्रॉपर सिस्टम के तहत करना है। ठीक, क्लियर। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि इस 9001 का बेसिकली पर्पस क्या है। अच्छा, इसकी सर्टिफिकेशन होती क्या है, मतलब आप थोड़ी सी बात कर लेते, इसकी सर्टिफिकेशन अगर लेनी हो तो क्या करना पड़ता है। अच्छा, इसके कुछ सिस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने आपको क्लियर एग्जाम्पल से समझाया कि बेसिकली ये गाइडलाइन आपको बताती है कि किसी ने भी काम करना है एज पर प्रॉपर सिस्टम।